अगला जन्म कैसा होगा, जो मैंने चार प्रश्न पूछे थे ना, और पांचवा फिर आपने चाहा था। अंतिम क्षण में जो विचार आया वो फ्रीज हो जाता है और नेक्स्ट बर्थ उसी में होता है। ये शास्त्र है, ये सिद्धांत है और मॉडर्न साइंस भी इसको स्वीकार करने लगा। मेटाफिजिक्स की जो लेबोरेटरीज में प्रयोग होते हैं, संशोधन होते हैं, दिस इज प्योर साइंस। फिल्म देखने जाते होंगे आप लोग, कुछ फिल्मों में ऐसा होता है ना कि 3 घंटे की या 2.5 घंटे की फिल्म हो तो 1-1.25 घंटे के बाद इंटरवल किसी एक दृश्य के ऊपर ऐसे वो फ्रीज कर देते हैं, इंटरमिशन, और 5-7-10 मिनट का पता नहीं कितना रहता होगा। वो पूरा करके जब आओ और फिल्म शुरू होती तो जहां वो फ्रीज हुआ था वहीं से फिर आगे शुरू होता है। बहुत बरसों पहले गुजराती नाटक देखा था, डायरेक्टोरियली अद्भुत बात थी वो, मुझे अभी याद रहेगा। गुजराती रंगभूमि पे बहुत अच्छे कलाकार और दिग्दर्शक हुए, प्रवीण जोशी, उनका डायरेक्ट किया हुआ ड्रामा था वो, कुछ कॉर्टरूम ड्रामा था। व्हाट अ डायरेक्शन, कुछ दलीलें चल रही हैं और उसमें वकील जो पेपर्स हैं वो पेपर्स को ऐसे फाड़ के उड़ाता है ऊपर, और जैसे फाड़ के उड़ाता है वहीं पर कर्टन इंटरवल, और 10-15 मिनट के इंटरवल के बाद जब कर्टन खुलता है तो कागज ऊपर से नीचे आ रहे हैं और वहीं से फिर बात आगे शुरू होती है। 35 साल पहले ये डायरेक्टोरियल बात बहुत बड़ी बात थी वो, और स्टेज के ऊपर ये करना, ऐसे कई बातें याद रह जाती हैं कि कितनी सुंदर। ये जीवन की अंतिम क्षण में जिसका भी स्मरण किया, जो भी स्मरण किया, अगला जन्म उसी योनि में आता है। तो अंतिम क्षण में कौन याद आएगा, क्या याद आएगा? मन जिसमें लगा होगा वो याद आएगा। और मन कहां लगता है? मन पहली बात, या तो अपने आप लग जाता है या तो लगाना पड़ता है। अपने आप कहां लगता है? जहां मन को प्रेम हो। वेदांत की परिभाषा में कहूं तो राग द्वेष दोनों, जहां आकर्षण हो वहां भी मन लगेगा, या तो जहां द्वेष हो मन उसका भी चिंतन करेगा, और राग और द्वेष जहां होंगे वहां मन अपने आप लग जाएगा। इसलिए कई बार पुराणों की जब कथाएं सुनते हैं तो लोग कहते हैं रावण को भी मुक्ति मिल गई, हिरण्यकशिपु को भी मुक्ति मिल गई, कंस को भी मुक्ति मिल गई, ये तो सब बुरे लोग थे, उनको मुक्ति कैसे मिली? तो उनका मन भगवान में लगाओ द्वेष के कारण। कंस देवकी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु, देवकी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु, ये विचार करके भी, विचार तो कृष्ण का ही कर रहा था। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 1 अध्याय का 30वां श्लोक। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर से, गोपियां काम भाव से कृष्ण के पास गई, आकर्षण से गई, गई ना उनको मुक्ति मिली। कंस भय के कारण कृष्ण का चिंतन करता रहा। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः। चेदी देश के राजा शिशुपाल आदि जो नृप राजाएं हैं वो सब द्वेष के कारण
लेकिन स्मरण तो कृष्ण का ही करते थे। संबंधाद वृष्णयः, ये वृष्णी कुल के यादव संबंध के लिए, कन्हैया तो हमारा है, हमारा संबंधी, हमारा भांजा लगता है, हमारा भतीजा लगता है, हमारा ये लगता है, संबंध के कारण उसको याद करते रहे। स्नेहाद यूयम, पांडव आप सब स्नेह के कारण श्री कृष्ण से जुड़े हुए हो। और भक्त्या वयम, नारद जी कहते हैं हम सब जो भक्त हैं वो भक्ति के कारण कृष्ण का स्मरण करते हैं। स्मरण तो करते हैं ना, कौन सा भजन था कि गोस्वामी के शब्द हैं कि बीज बो उग जाएंगे उल्टे सीधे बीज, प्रभु का स्मरण करो, रीज भजो या खीज, तुलसी अपने राम को रीज भजो, तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, एक बार भूमि में गिरे कि वो अवश्य उगेंगे उल्टे सीधे बीज। बीज गिरा फिर वो उल्टा गिरा सीधा गिरा कौन देखता है, बीज उगेगा। स्मरण तो राग और द्वेष जहां होंगे वहां मन अपने आप चला जाता है, या दूसरा फिर मन को रखना पड़ता है, लगाना पड़ता है, उसके लिए अभ्यास चाहिए। छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो या तो ईश्वर से प्रेम करो, द्वेष कहने का तुम्हें व्यासपीठ से सिखाऊंगा नहीं कि रावण बनो कंस बनो, या तो ईश्वर से प्रेम करो तो अपने आप चला जाएगा मन उसमें, या फिर अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। इतना है जो भगवान यहां कहते हैं कि जो स्मरण जो भाव लेकर के मनुष्य प्राण छोड़ता है सदा तद्भाव भावित, हमेशा वो ही विचारों से प्रभावित रहता है, वो हमेशा उसके मन में यही चलता, इसलिए अंतिम क्षणों में याद आता है। हमेशा यदि वो विचारों में न रहता तो अंतिम क्षणों में याद ना आता। सदा तद्भाव भावित,